तो आज हम देखेंगे हाइपर इंटरफेरेंस, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। अब हाइपर इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है कि मतलब इंटरफेरेंस से, देखिए पहले हम हाइपा समझते हैं, हाइपा क्या होता है। हाइपा हमें पता है भाई, हाइपे के नाम सुनकर आपके याद होगा भैया फंजाई, ठीक है। हाइफे मिलकर के जो है एक माइसीलियम बनाते हैं फंजाई के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक छोटा सा सपोज़ ये एक हाइफा है, ठीक है। अब ये ठीक है भाई, हाइफा तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब ये कैसा भी हो सकता है, सिनोसेटिक हो सकता है, मल्टीन्यूक्लिएट हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है, एसेप्टेट भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लगा दें भैया एक एक इसकी सेप्टा, ठीक है, तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे इसके न्यूक्लियस, तो ये बन जाएगा सेप्टेट, और अगर ना होता तो ये एसेप्टेट हाइफा, तो ठीक है। अब बात आती है इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस क्या होता है। अब इंटरफेरेंस हम लिटरली मतलब पे को देखिए अगर इसका, तो वो क्या होता है कि लाइक एक वर्ड बोलते हैं बहुत ज़्यादा कॉमनली, डॉट इंटरफेयर इन आर मेटल्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है भाई, कि मतलब टाइम मत हड़ाओ, ठीक है, दिक्कत मत क्रिएट करो मेरे काम के अंदर, ठीक है, यही मतलब हुआ उसका अल्टीमेटली। तो अब यहाँ पे हाइफल इंटरफेरेंस में क्या होता है कि हाइफा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हाइफल इंटरफेरेंस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैकेनिज्म दैट ट्रिगर हाइफर डेथ इव वेंट टू माइसीलियम फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज मीट, ठीक है। अब ये दो अलग अलग स्पीशीज के हाइफे थे, जब वो मीट कर जाते हैं तो हाइफे की डेथ हो जाती है। वाओ, नहीं अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, लेकिन फंजाई को कंट्रोल करने के लिए अच्छी बात है ना। तो अब देखते हैं कैसे है कि ये एक हाइफा था, ये एक हाइफा था, ठीक है। मान लेते हैं ये ए स्पीशी है, ठीक है, ये बी स्पीशी का था, ठीक है। वैसे इन्हें इंटरेक्शन नहीं करना था क्योंकि स्पीशीज़ अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये इंटरेक्ट नहीं करना था। ये मतलब सदियों से जो ये अलग अलग थे, ठीक ठाक थे, जी रहे थे, सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वॉट एवर इज़ अ कॉन्सिडेंस, इन्हें आया कि भाई हम दोनों मिलेंगे, अब हम दोनों दोस्ती करेंगे। तो जैसे ये दोनों पास आए, अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन दोनों मर गए, ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी मर गया, ये भी मर गया, मतलब कहानी ही ख़त्म हो गई इनकी, अच्छी दोस्ती करी। तो हाइफल इंटरफेरेंस में बस इतनी सी ही बात है, एक ही लाइन आपको याद रखनी है हाइफल इंटरफेरेंस में, कि हाइफल इंटरफेरेंस में जब भी दो अलग अलग स्पीशीज़ के हाइफे मीट करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। हाइफल तो इसमें भी ये कि ये जो है, तो इनके पास में, फंजाई के पास में कोई मैकेनिज्म, मतलब अभी इसके ऊपर ज़्यादा नहीं पता चला है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कि तो इनके अंदर कुछ ना, अभी ये देखा जा रहा है कि इनके अंदर कुछ होता होगा जिसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये सेल्फ, मतलब ये हमारी स्पीशी का है, तो वो सेल्फ नॉन सेल्फ में रिकॉग्निशन कर सकते हैं, इससे हमें इस बारे में कुछ पता चल सकता है, या फिर इसका कोई ट्रेट है ये, तो बहुत सारे संभावनाएं हो सकती है अभी, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे यही आ रहा है कि ये इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता होगा फंजाई को कि ये मेरे वाला है, ये मेरे वाला नहीं है, इसके पास मुझे जाना है, मैं बच जाऊँगा, इससे इंटरेक्शन कर लो तो मैं गया काम से, ठीक है। उसके अलावा जो है साइंटिस्ट ने बताया है कि अगर हमें काम करना है, ठीक है, तो हम दो के ऊपर काम कर सकते हैं, पोडोस्पोरा अनसेरिना और कॉपरिनोप्सिस सिनेरिया, ठीक है। ये दो जो एंटिकली ट्रैक्टेबल फंजाई के मॉडल्स हैं, इनके ऊपर हम काम करके आगे ही रिसर्च को जो है हम बता सकते हैं कि ये रिकॉग्निशन है, नहीं है, नॉन रिकॉग्नाइज है, क्या है, मतलब वट एवर इट इज, ठीक है। विद दिस, थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड लाफिंग।